देखिए कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर संभावित प्रश्न क्या बन सकते हैं कृपया बता दें तो मैंने दोनों पेपरों का अलग अलग बनाया तो पहले मैंने आप जो है उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास जिसका कोड है बी ए ए वन टू वन ध्यान रखिएगा जब आप एग्जाम देने जाओगे ऑफलाइन में तो सबसे ऊपर जो परीक्षा का नाम लिखना होता है तो वो है क्या बी प्रथम वर्ष से द्वितीय सेमेस्टर या सेमेस्टर द्वितीय ठीक है ना एग्ज़ामिनेशन 2021-22 ये आप लिखेंगे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखना होता है और कोड है बी ए ए वन टू वन और पेपर का नाम है उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास और विषय का नाम है ए आई सी एंड आर्कियोलॉजी ठीक है ना तो प्रमुख क्या पूछा जा सकता है तो है मिहिर भोज की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए देखिए मैंने आधार बनाया है 2019 का पेपर और 2020 में तो बच्चियों को पास आउट कर दिया गया था तो मुझे लगा कि हो सकता है कि 2019 को आधार बनाकर पेपर बने तो उसको आधार कर मैंने बना रहा हूँ मैं आपको 12 क्वेश्चन बताऊँगा लेकिन तीन क्वेश्चन आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा तो पंद्रह क्वेश्चन आप लोग स्वयं तैयार करिए तो पहला मेहर भोज की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए ये वीडियो मेरा है त्रिकोणात्मक संघर्ष से आप क्या समझते हैं सब विस्तार वर्णन करें तो इसमें कई डायनेस्टी की आपकी तैयारी हो जाएगी तो इसलिए इसको भी पढ़ लीजिएगा इसका भी वीडियो बना हुआ है धर्मपाल के राजनीतिक विजयों का वर्णन करिए तो 2019 में देवपाल पूछा है तो मैंने धर्मपाल को रख दिया सामने और क्वेश्चन फोर है भोज परमार के विजयों का विवेचना कीजिए ठीक है बच्चों और अगला क्वेश्चन है गांगे देव की उपलब्धियों पर प्रकाश डालें ये कलचुरी नरेश हैं सोलंकी वंश के भीम प्रथम के राजनीतिक उपलब्धियों की व्याख्या करें यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है भीम प्रथम पर बहुत ही प्रतापी शासक था अगला क्वेश्चन सिंध पर अरब आक्रमण और उस पर मुस्लिम प्रभाव की विवेचना करें एक क्वेश्चन बनेगा विग्रह राज चतुर्थ यानी बिशल देव के राजनीतिक इतिहास का मूल्यांकन करें चूँकि 2019 में पृथ्वी तृतीय के बारे में पूछा है तो विग्रह राज चतुर्थ को हमने यहाँ पर बनाया है अपना पॉइंट गढ़वाल गोविंद चंद की उपलब्धियों की विवेचना करें ठीक है ये प्रतापी शासक हैं गढ़वाल वंश के चंदीयल शासक के बारे में बात करें तो विद्याधर के राजनीतिक उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए तो पढ़ लीजिएगा और एक जो है आप अपने मन से धंग को जरूर पढ़ लें ठीक है ना कश्मीर के उत्पल वंश पर एक लिखिए एक लेख लिखें तो उत्पल वंश पर आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन पूछा जा सकता है ठीक है और प्रतिहार नागभट द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन करें क्योंकि देखिए उसमें ललतादित्य दे तो मुक्तापीठ के बारे में पूछ दिया था और ये बड़ा अटपटा लगा था मुझे कि भाई ललतादित्य तो मुक्तापीठ कहाँ से आ गया वो तो पिछले वाले सेमेस्टर में भी था तो खैर प्रतिहार नागभट द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन करें तो ये मैंने आपको सारा बता दिया है और ध्यान रखिएगा एक चीज़ और बता देता हूँ आपको सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कि समय पर लिखने के लिए 45 मिनट आप एक क्वेश्चन पर देंगे 45 मिनट दूसरे क्वेश्चन पर देंगे जो दो बड़े क्वेश्चन हैं और शुरुआत के 20 मिनट थोड़ा आराम से लिखिएगा ताकि राइटिंग आपकी अच्छी रहे उसके बाद 15 मिनट फास्ट करिएगा बाकी दस मिनट में तेज़ी से लिखिएगा ठीक है ना लेकिन ध्यान रखिएगा अति लघुत्तरी प्रश्नों को सबसे पहले लिख दीजिएगा और वन लाइनर को क्या है सिंपल सी बस जितना पूछे उतना ही उत्तर देना है ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है और लघुत्तरी क्वेश्चन जो है उनको सबसे बाद में करिएगा आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात को तब तो आपके अच्छे पॉइंट बनेंगे समय का ध्यान रखिएगा कम से कम आप पाँच मिनट में आपको सबसे पति अति लघुत्तरी को दस क्वेश्चन को हल कर जाइए फिर उसके बाद पैंतालीस पैंतालीस मिनट में आप लोग है दीर्घोत्तरी क्वेश्चन बाकी पच्चीस पच्चीस मिनट में आप लोग क्या करिएगा लघोत्तरी क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा तो ध्यान रखिएगा जो दीर्घोत्तरी क्वेश्चन है आपका करीब जाना चाहिए किस में छः पेज में जाना चाहिए पाँच से छः पेज तो जो लिखना पाँच से नीचे मत करना और अगर बात करेंगे उसकी लघोत्तरी की तो तीन पेज से कम मत लिखना तो तीन से चार वो रहेगा पाँच से छः उसका करिएगा लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी किसी का लिखिएगा एग्ज़ाम में लिखा जाता है तो बेटा ध्यान रखिएगा क्या क्या ध्यान रखना है अगर किसी शासक का पूछेगा तो वंश परिचय देना पड़ता है भूमिका के रूप में और हेडिंग नहीं पड़ती है वंश परिचय ध्यान रखिएगा कभी भी रंग बिरंगे पेन का प्रयोग मत करिएगा केवल दो या तीन तरह के पेन ले जाइएगा जैसे काले और और आपका ब्लू पेन और उसी से लिखिएगा अलग अलग से उसको अंडरलाइन मत करना कभी कोई टीचर पढ़ता नहीं ध्यान रखना ठीक है सुंदर राइटिंग में लिखो और ज़्यादा ज़्यादा दूर मत लिखना बहुत पास भी मत लिखना राइटिंग बैठा कर की कोशिश करना कि शुरुआती दस बीस मिनट अब राइटिंग थोड़ा बैठा कर लिखना और एक पॉइंट और मैं जो बताना चाहूँगा ये कि हेडिंग वाइज लिखना तो पहले भूमिका में पूरा वंश परिचय वंश परिचय में क्या है कि कहाँ का राजवंश था उत्तर भारत था कि दक्षिण भारत का था उसकी स्थापना किसने की वो किसके अधीन थे कब किए ठीक है ना फिर इसका वास्तविक संस्थापक कौन था प्रमुख शासक कौन था अंतिम शासक कौन था कब तक शासन किए तो कुल कितने वर्षों तक शासन किए धर्म क्या है जाति क्या है कुल क्या है भाषा क्या है लिपि क्या है राज चिन्ह क्या है और ये लोग किस लिए प्रसिद्ध थे इस बात को जरूर मेंशन करिएगा लेकिन ये सारी बात कभी भी आधा पेज से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए ध्यान करिएगा इस बात को और अगर आप एग्जाम में लिख रहे हो तो एक ही पेज में चला जाना चाहिए क्योंकि आप लोग बहुत छोटा छोटा अभी कोई बहुत लंबा लंबा लिखने लगते हो तो वो भर जाता है तो वो पहले पेज पर ये जाएगा और सीधे दूसरा पॉइंट आपका बनेगा क्या बनेगा साहित्यिक स्रोत अब जिस राजा के बारे में लिख रहे हो तो उससे संबंधित कौन कौन से साहित्यिक स्रोत बनेंगे जैसे अभिलेख या पुस्तक जो उस काल का है जो उसके बारे में सूचना देता है कोई अगर सरोवर का निर्माण कराया है मंदिर का निर्माण कराया है तो पुरातात्विक कौन सी जानकारी मिलती है Uh, कौन सी मुद्रा जारी किया था तो अभिलेख साहित्य और कौन से विदेशी विवरण या कोई विदेशी यात्रियों के बारे में बोलते तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा बच्चों तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा और आप लोगों को आशीर्वाद और आप लोग पूरी तरह से मेरे ऊपर निर्भर मत रहेगा लेकिन फिर भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा और आप लोगों को सूचना देता रहूँगा ठीक है ना थैंक यू